ज्यादातर जो बच्चे हैं आप सब लोग भाई अगर गांव से चल के घर से चल के लाइब्रेरी आ रहे हो तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप पढ़ने के मूड में हो और डिटर्मिनेशन आपके अंदर पूरी तरह से मौजूद है। अगर आप घर के माहौल को जिसमें आप पढ़ नहीं पा रहे हो लाइब्रेरी तक आ रहे हो। दूसरी चीज कभी कभी ये हो जाती है हमारे साथ कि यार हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं एक दो नंबर से कहीं रह गए तो चीजों में बड़ी दिक्कत आती है। क्या कुछ लोगों के साथ हुआ ऐसा कि कहीं एक दो नंबर से रह गए, कभी पढ़ने का मन किया कभी नहीं किया? हैं से कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग होंगे। देखो चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरे एक बात का जवाब दो। मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ना, ये जो लकड़ी पड़ी हुई है, बस थोड़ा सा 3 मिनट ध्यान से सुन लो, बहुत काम की बात है। मैं कहूंगा ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ना, तुम मुझे इस पे चल के दिखा दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो कौन कौन चल देंगे भाई? सारे चल दोगे, ठीक है। अब मैं इस लकड़ी को क्या कर रहा हूँ कि दो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और उनके 25-25 फ्लोर की बिल्डिंग है और 25-25 फ्लोर के बीच में रख दे रहा हूँ इस लकड़ी को और तुम्हें मात्र 1,000 रुपए दे रहा हूँ। अब बताओ भैया कौन कौन चल दोगे? लेकिन अगर मैं तुम्हें, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें उन 25 मालों पे भी चला दूं तो तुम क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी शादी हो गई है और दूसरी बिल्डिंग में आग लग गई है और वहां तुम्हारी बेटी फंसी हुई है, तो 1,000 रुपए के बिना भी तुम चले जाओगे या नहीं चले जाओगे? क्यों? जिस आदमी का भाई क्लियर है, जिस आदमी का क्यों क्लियर है, वो आदमी कुछ भी कर जाएगा, किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ के चला जाएगा।